आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे आप सभी के बहुत सारे सपनों का फल तथा अन्य प्रकार की जानकारी पहुँचाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सब्जियों में करेला बिटर गार्ड देखना, इसका क्या मतलब है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्वप्न हमें बहुत सारी जानकारी भविष्य के बारे में देते हैं। अगर आपने देखा है करेला, तो दोस्तों ये आपके जीवन की कोई कड़वाहट, कोई ख़राब रिश्ता अच्छा होने का संकेत देता है। अगर किसी के साथ संबंध आपके ख़राब हो गए हैं तो अच्छे होंगे। बीमारी, कोई रोग आपको ग्रसित हैं, अगर परेशान हैं तो जल्दी उससे निजात भी मिलेगी। दोस्तों, परिवार में भी अगर कोई बीमार है तो भी दोस्तों वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा और आपके घर में प्यार बना रहेगा। दोस्तों, करेला को अगर बात करें बेचने की, तो मानसिक कमजोरी, मानसिक तनाव, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, कट करते हुए करेला को देखना आपके विरुद्ध कोई कार्य कर सकता है, जिसकी आप भलाई कर रहे हैं वो भी आपके साथ ऐसा कुछ करने से नहीं चूकेगा, तो ज़रा इसका ख्याल रखें। सपने में अगर करेला बॉयल करते हुए देखा है, तो दोस्तों ये सपना आपके लिए कोई आपका अंदर ही अंदर बुरा कर रहा, आप नहीं समझ पा रहे, कुछ दिनों में हो सकता है आपको पता चले, तो आप परेशान आहत हो सकते हैं। करेला खरीदना अच्छा माना जाता है, कार्य में सफलता मिलने का सूचक है। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी होगी, ये शुभ संकेत का सपना है। दोस्तों, सपने में करेले की सब्जी बनाना, ये सपना आप या परोसना या सब्जी बनाना, ये दोस्तों आप लोकप्रियता को प्राप्त करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी लोग तारीफ करेंगे और जिससे आपको खुशी मिलेगी। सपने में कीड़े या देख रहे हैं आप करेला में या सड़ा हुआ, तो आपके दोस्तों कुछ परेशानी आ सकती हैं स्वास्थ्य को लेकर के, तथा कोई वैसी भी किसी तरह की आपकी मानसिक तनाव आदि नुकसान भी हो सकता है। करेले का अगर आपने देखा है सब्जी खाते हुए, तो परेशानी समाप्त होने का भी सूचक माना जाता है। पौधे में लगा हुआ करेला, परिवार बिखरा हुआ अगर है तो कहीं ना कहीं फिर से अच्छा माहौल होगा, इस तरफ भी इशारा करता है। करेला उगाते हुए देखना पारिवारिक खुशियां मिलने का भी सूचक माना जाता है। तो मित्रों, हम आप सभी तक सपने पहुंचाते रहेंगे, उनके फल और बहुत सारी जानकारियां। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।